हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। केमिस्ट्री की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम चर्चा करने वाले हैं ओम का नियम दोस्तों और विद्युत चालकता। खास तौर से दोस्तों ये 12th क्लास का महत्वपूर्ण टॉपिक है। बाकी आप किसी भी क्लास में दोस्तों यदि आपके पास टॉपिक है चीज़ें तो आप पढ़ाई कर सकते हैं। दोस्तों ओम का नियम क्या है और विद्युत चालकता और इसकी इकाई क्या है, इनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले दोस्तों बता देना चाहते हैं इनकी इसकी परिभाषा, मतलब जॉर्ज साइमन ओम ने क्या बताया था कि किसी चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की समर्थ मतलब शक्ति चालक के दोनों सिरों पर लगाए गए विभवांतर के समानुपाती होती है। किसी चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की सामर्थ या शक्ति चालक के दोनों सिरों पर लगाए गए विभवांतर के समानुपाती होती है। ठीक है दोस्तों, मतलब चालक के सिरों पर यदि अपन क्या करें, धारा प्रवाहित करें। दोस्तों आपके पास चालक है, मान लेते हैं ये चालक है और इसके सिरों के बीच क्या करें, धारा प्रवाहित करें, तो इसमें जो विभवांतर होगा दोस्तों वो धारा के समानुपाती होगा। जैसे यहाँ पर लिखा मैंने भी समानुपाती आई, और दोस्तों जब समानुपाती नियतांक हटाए तो भी बराबर आर आई, और प्रतिरोध आर बराबर भी बटे आई, ये भी फार्मूला हो सकता है। अब दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ समझना है आपको कि आर का इकाई दोस्तों क्या, प्रतिरोध का इकाई होता है ओम। प्रतिरोध की इकाई क्या होती है दोस्तों, ओम। तो इसको भी आपको याद रखना है कि प्रतिरोध की इकाई क्या होती है दोस्तों, तो ओम। अब दोस्तों यहाँ पर मैंने और लिख के रखा है कि आई समानुपाती भी, तो दोस्तों यदि आई समानुपाती भी करेंगे तो नियतांक जो होगा एक बटे आर होगा। बुक्स में दोनों चीज़ें रहती है, अलग अलग बुक्स में, तो मैंने दोनों चीज़ों को समझाने की कोशिश की है यहाँ पर कि दोस्तों आप लोग कहाँ पर नियतांक आर लगाएंगे, कहाँ पर एक बटे आर। यहाँ पर दोस्तों एक बटे आर नियतांक है, तो आपको समझना है कि यहाँ पर आई प्रोपोर्शनल भी है, जबकि यहाँ भी प्रोपोर्शनल आई है, तो यहाँ पर नियतांक दोस्तों आर लगा है जबकि यहाँ एक बटे आर। बाकी दोस्तों भी बराबर आर आई इसमें भी, और भी बराबर आर आई वही चीज़ आया। मुद्दा होता है दोस्तों भी बराबर आर आई, भी बराबर आर आई लाने के लिए तो अपन एक बटे आर नियतांक लगाते जबकि यहाँ आर। अब दोस्तों ओम का नियम यही है, ठीक है ना, बाकी आपका कुछ नहीं है, दो नंबर पूछा जाता है। और यदि फिजिक्स के मामले में कहें दोस्तों तो ओम का नियम क्या है, व्यंजक, तो ये थोड़ा सा अलग टॉपिक हो जाता है फिजिक्स से, तो ये केमिस्ट्री के श्रृंखला में है दोस्तों, ठीक है ना। अब दोस्तों अब बात करने जा रहे हैं चालकता। यहाँ पर आपको एक चीज़ याद करना दोस्तों कि आर का मात्रक ओम होता है, आर का मात्रक ओम होता है, ओम। अब अपन देखेंगे दोस्तों विद्युत चालकता, तो आप देखिए डिटेल क्या है, किसी चालक या बिलियन में से विद्युत चालन की, ठीक है, विद्युत चालन की विद्युत चालकता, ठीक है, विद्युत चालन की विद्युत चालकता दोस्तों यहाँ पर क्या होती है दोस्तों, बिलियन के प्रकृति पर आधार पर निर्भर करती है, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने लिखा है, लेकिन आप हमारे भाषा में समझिए, किसी भी चालन की या बिलियन की दोस्तों, एक चालक है या बिलियन की, इसकी चालन की प्रकृति उसके चालकता पर निर्भर करेगी, उसके प्रकृति पर निर्भर करेगी, है ना, किस प्रकार का चालक है, किस प्रकार का बिलियन है। दोस्तों इसके अगले वीडियो में हम एक बार बता देंगे आपको कि चालकता को प्रभावित करने वाले कारक, तो आपको विधिवत समझ में आ जाएगा। दोस्तों विद्युत चालन है क्या, मेन क्या है इसमें, तो विद्युत चालन दोस्तों, विद्युत चालकता या विद्युत चालकता का मान प्रतिरोध के व्युत्क्रम के तुल्य होता है, जैसे कैपिटल सी से प्रदर्शित करती है। पेपर में कभी कभी पूछा जाता है, काफ़ी महत्वपूर्ण तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन दोस्तों आपके सिलेबस में है, इसलिए इसके बारे में जानना कि विद्युत चालकता क्या है। दोस्तों प्रतिरोध का व्युत्क्रम मतलब सी बराबर अनुपात आर। अब दोस्तों यदि आर की बात करें तो आर का मात्रक क्या है, ओम, तो ये ऊपर जाएगा तो ओम इनवर्स हो जाएगा, ओम इनवर्स मतलब सी का मात्रक दोस्तों ओम इनवर्स, ओम इनवर्स, या दोस्तों इसको बोला जाता है मोह, ठीक है, या मोह भी इसका मात्रक है, मोह या ओम इनवर्स, ओम इनवर्स भी याद कर सकते हैं और मोह भी याद कर सकते हैं, ठीक है ना। किसका दोस्तों, विद्युत चालकता, तो विद्युत चालकता दोस्तों प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है। और ओम का नियम क्या है दोस्तों, मतलब किसी भी चालक के बीच हमें यदि विद्युत धारा प्रवाहित करें तो उसके बीच उत्पन्न विभवांतर धारा के समानुपाती होता है, मतलब जितना ज़्यादा धारा प्रवाहित करेंगे, जैसे आई समानुपाती भी, मतलब जितना ज़्यादा धारा समय प्रवाहित करेंगे उतना विभवांतर उत्पन्न होगा, या जितना ज़्यादा विभवांतर उत्पन्न हो रहा है दोस्तों उतना ज़्यादा धारा प्रवाहित होगी। समानुपाती मतलब सीधा सीधा संबंध, यदि एक बढ़ रहा तो बढ़ेगा, घट रहा तो घटेगा। तो इस प्रकार दोस्तों आपने आज क्या क्या देखा, शॉर्टकट में बता रहे हैं दोस्तों, क्योंकि 12th क्लास में छोटे छोटे टॉपिक है और इन टॉपिकों को आपको कवर करते चलना है। तो आज हमने चर्चा कर लिया दोस्तों ओम का नियम और विद्युत चालकता, ठीक है दोस्तों, छोटे टॉपिक रहा और थोड़ा लंबा वीडियो मैं नहीं बनाना चाहता हूँ, आप सभी को पता है। तो वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों, और अच्छा लगे तो लाइक करिएगा दोस्तों, के साथ शेयर करिएगा, नए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। चलिए दोस्तों चलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।